हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो। तो आज मैं आ गई हूँ कातारा, जो कि कातारा कल्चरल विलेज नाम से जाना जाता है। और ये प्लेस ना कातर में बहुत ज़्यादा फेमस है। और अभी इधर में कातारा इंटरनेशनल हंटिंग एंड फैलकॉन एग्जीबिशन हो रहा है। आप ये बूथ देख सकते हो, छोटा छोटा जो बूथ है ना, इधर में पहले हम लोगों को रजिस्टर करना पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए बस आपका आरपी होना ज़रूरी है, या तो आपके पास पासपोर्ट रहना ज़रूरी है और फ़ोन नंबर। और ये रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ चार्ज है। तो फैलकन ना कतर का नेशनल बर्ड होता है, और ये कतर का हेरिटेज और कल्चर का ना बहुत एक स्ट्रॉन्ग पार्ट माना जाता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि फैलकनरी एक एंशियंट आर्ट होता है बेदुइन जो ट्राइब्स थे ना उन लोगों के लिए। और ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा हाईली ट्रेंड होता है जो माइग्रेटरी बर्ड्स होता है, तो फूड्स के लिए इन लोगों को हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। और अगर लाइफ स्पैन पूछे तो लाइफ स्पैन इन लोगों का होता है 12 to 15 ईयर्स। और प्राइस स्टार्ट होता है 40,000 कतरे रियल टू 1 लाख, 2 लाख्स, 3 लाख्स कतरे रियल तक होता है। और एक चीज़ मालूम है, ये एग्जीबिशन बहुत ही बड़ा था। और इधर में आप देख सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ, ये टोपी जैसा है ना, ये टोपी बहुत स्पेशल होता है फैलकॉन के लिए, क्योंकि ये इन लोगों का जो हेड है, हेड में इन लोग पहना जाता है, क्योंकि बोलता है कि ये फैलकॉन का आँख अगर खुले रहेगा ना तो वो लोग काम नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए उन लोगों को काम रखने के लिए ये टोपी पहना जाता है, ताकि इन लोगों का आँख क्लोज रहे। और आप लोग देख सकते हो, ये जो एग्जीबिशन था ना, ये पूरा एक मेला जैसा था। इधर में डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स हंटिंग का मिल रहा था, फैलकन का फेदर मिल रहा था, फैलकॉन का फेदर से बना हुआ डिफरेंट चीज़ें आप देख सकते हो, सारा सामान हंटिंग के लिए इधर में मौजूद था। और सिर्फ ऐसा इक्विपमेंट ही नहीं है, फैलकॉन का फेदर से बना हुआ डिफरेंट चीज़ें भी थे। और इधर में वो फैलकॉन जिधर में बैठता है, वो ट्रे आप देख सकते हो, ऐसा ग्रीन वाला ट्रे जैसा है ना, इधर में फैलकॉन बैठता है। वो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थे। तो इधर में थोड़ा थोड़ा मूवीज जैसा क्लिप्स भी दिखा रहा था कि कैसे फैलकॉन हंट करते हैं। और वो लोग जब हंटिंग में जाते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ कार यूज़ होता है, नॉर्मल फोर व्हीलर या से वो लोग नहीं जा सकते ना, क्योंकि इधर में डेजर्ट होता है, और डेजर्ट भी ऊपर नीचे होता है, स्ट्रेट नहीं होता है ना। तो अच्छा वाला फोर व्हीलर या स्ट्रॉन्ग वाला होना चाहिए। इधर में आप लोग जाओगे ना, एक अलग सा फीलिंग आएगा। पूरा एक मिडिल ईस्ट का जो एक हंटिंग कल्चर होता है, वो आपको पूरा दिखेगा। आप देख सकते हो इधर में छोटा छोटा गाड़ी का मिनिएचर भी रखा हुआ है। ये लोग जो है, कुछ लोग खरीद भी रहा है फैलकॉन को। इधर में ना फैलकॉन का बोली भी लगाया जा रहा है। आप देख सकते हो छोटा छोटा टैब जैसा रखा हुआ है सामने, वो टैब में आप पर्सन का नाम आ रहा है, तो कौन कितना पैसा एक एक फैलकॉन के ऊपर लगा रहा है। उस हिसाब से जो लोग सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, उन लोगों के पास वो पर्टिकुलर फैलकॉन जाएगा। अब देखो इधर में प्राइस भी दिया हुआ है और अरबिक में नाम भी दिया हुआ है। तो ऐसा ये लोग अपडेट होते जा रहा है, क्योंकि उन लोगों के पास एक काउंटर होता है, जो काउंटर में ये लोग जितना जितना उन लोगों को पैसा लगा रहा है फैलकॉन खरीदने के लिए, वो उसके पास जाएगा। मैंने ना इधर में ट्राई किया कि क्या है समझने के लिए अरबिक टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने का, उसके बाद ही मालूम चला कि इधर में जो जो आदमी बोली लगा रहा है उसका नाम है, और वो कितना पैसा का लगा रहा है उसका प्राइस है। ये जो कार देख रहे हो ना, ये स्पेशली वो लोग हंटिंग के लिए यूज़ करता है। और ये जो ग्रीन कलर का बार देख रहे हो इधर में, वो लोग फैलकॉन को बिठाता है।
मुझे तो इधर में जाकर बहुत ही अच्छा लगा। वो लोग डेज़र्ट में ऐसा चीज़ें लेकर जाता है जो वो लोग ख़रीद भी रहा था। इधर में बुक्स और पैम्पलेट मिल रहा था जो कि मैंने कलेक्ट किया है। इधर में आप देखो, इधर में जो फर्स्ट गोली लगाया गया और जो सेकंड हाईएस्ट है इसका प्राइस दिया है 1,80,000 कतरे रियल देकर कोई ख़रीदा, 1,20,000 कतरे रियल देकर दूसरा फैलकॉन कोई ख़रीदा। तो एक यूनिक एक्सपीरियंस था। तो आप लोग अगर कतर में आओगे कभी या कतर में हो आप लोग, तो अगर फैलकॉन फेस्टिवल कभी हो तो प्लीज़ अटेंड करना, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये बुक ना मैंने घर लेकर आए, बहुत सारा चीज़ें अरबिक में भी लिखा हुआ था जो कि मुझे समझ में तो आया नहीं है। और एक चीज़ देखो, ये जो स्टैंड आप देख रहे हो ये स्पेशली फैलकॉन बिठाने के लिए स्टैंड होता है। तो आज का वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक शेयर करना भी मत भूलिए। थैंक यू।